किनारे में पहले छोटी कर लो, फिर तो बाल कैसे हो गए, ऑयल नहीं डालो तो ऐसे फंस जाते हैं। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और यहाँ पर मैं सूजी भून रही हूँ क्योंकि मौसी कुछ बोल रही थी खाने के लिए, फिर बोले रहने दो मत बनाओ तुम, और मौसा जी आ जाएंगे जब चाय बनेगी तभी कुछ देख लेंगे नाश्ता कर लेंगे। तो मैंने मौसा जी लेट आते हैं और चाय तो लेट ही बनेगी, मैंने कहा लाओ बता दो क्या बनाना है, फिर उन्होंने कुछ नहीं बताया तो फिर मेरा ही मन करा और मैंने अपने दिमाग से सूजी रखी दिख गई थी, तो मैंने कहा चलो सूजी का हलवा ही बना देती हूँ थोड़ा सा। तो पहले मैंने सूजी को बिना घी डाले ही भूजा था क्योंकि घी डाल के भूनती हूँ तो बहुत टाइम लगता है, और उसके बाद घी डाल दिया था तो क्योंकि सूजी गर्म थी तो वो हो गया था, पिघल गया था जल्दी से, तो यहाँ पर एकदम ब्रेड भून गया क्योंकि हल्की सी भी सूजी कच्ची रह जाती है तो मौसी को बहुत जल्दी पता चल जाता है, वो बोल देती है सूजी अच्छे से भूनी नहीं, ठीक है। तो बस यहाँ पर चीनी वगैरह सब कुछ डाल दी और थोड़े से ड्राई फ्रूट भी कट कर लेती हूँ डालने के लिए। बन गया और यहाँ पर मंदिर पे देखिए यार ने कैसे सामान का टावर लगा दिया, जितने डिब्बे और वो चीज़ें रखी हुई थी ना लोटा वोटा सब का टावर बना के खड़ा कर दिया, और हलवा मैंने मौसी को दे दिया, थोड़ा सा मैं भी लेके आई हूँ। वैसे सूजी का हलवा मुझे ये गीला गीला वाला जो बनाते हैं ना ये बिल्कुल पसंद नहीं है, हाँ मम्मी बनाती हैं जो एक वो पीस टाइप में नहीं उसको बनाती हैं जो जमा के बनाते हैं बर्फी के टाइप में, वो वाला बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर बस मैं लेके आ गई थी तो यार थोड़ा ड्राइंग में मस्त थे तो हमने बिग बॉस लगा लिया, वैसे मैंने इस बीच में एक हफ्ते बिग बॉस देखा ही नहीं है ना तो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया है, वैसे डेली देखती थी तो फिर मैंने कहा लगा लेते हैं देख लेते हैं थोड़ा बहुत वैसे बनाने। और यहाँ पर मैं अपने फेस पर लगाने जा रही हूँ फेस पैक, तो मैंने उसके लिए ही बाल अपने जुड़े लगा रही हूँ खोल के छोटे, और आज के ना मेरा फेस थोड़ा सा डर लग रहा होगा, तबीयत ठीक नहीं है, वो महीने के कुछ दिन ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक ही तबीयत अपनी सही नहीं रहती है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने कैसे एकदम आज मैंने किया है अच्छे से एकदम चिपका के जूड़ा लगाया, और यहाँ पर मैंने ना ये सैंडलवुड पाउडर है उसमें थोड़ा सा दही मिला के लगाया है क्योंकि सर्दियों में तो वैसे भी स्किन इतनी रूखी रूखी हो जाती है, फेस वॉश वगैरह ज़्यादा ना यूज करे जाए ना तो ये अच्छा रहता है, ये नेचुरल चीज़ें लगा लो या वैसे घर में बेसन वगैरह से धुलो वो सही रहता है, कितना भयंकर लग रहा था मेरा चेहरा रेड रेड। और उसके बस 10-15 मिनट मैंने इसको लगा के रखा, उसके बाद यहाँ पर फेस वॉश कर लिया है और इसको धुलने के बाद ना स्किन एकदम ऐसी स्मूथ स्मूथ लगती है ये देखिए। और अभी हो रहा है रात का टाइम, खाना आना खाने के बाद टीवी देखने में लग रहा है, अब बस आके सोने जा रही हूँ, मैं कुछ नहीं करना है सीधे सो जाती हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है 11:30। और आज ये नया वाला फोल्डिंग है जो मौसी ने मेरे कमरे में डाला है मैं इसी में लेटूंगी, और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह जस्ट उठी उठी हूँ क्योंकि काम वाली आंटी भी आ गई थी और आज मैं नए वाले बेड में सोई थी तो थोड़ी नींद अच्छे से नहीं आई, भले सा ही कितना भी अच्छा हो लेकिन आप जिसमें लेटते रहते हो ना वो एक आपको आदत पड़ जाती है, हैबिट हो जाती है, थोड़ा सा और लगता है, ये लगता है कि नई चीज़ है, ये दिमाग में रहता है बाकी कोई नहीं। तो बस मैं यहाँ पर बिस्तर बिस्तर हटा रही हूँ अपनी, और वो आंटी जी आ रही हैं झाड़ू लगा रही हैं किचन में, झाड़ू लगा दें बर्तन धो लें, उसके बाद मैं जा रही हूँ चाय बनाने।
क्या है ये? और बस अभी टाइम हो रहा है दोपहर का। नहा तो मैं काफ़ी टाइम पहले चुकी थी, लेकिन जब नहा के आई थी ना तो इस मिरर में मैंने अपना फेस देखा था, तो मेरा काफ़ी गंदा लग रहा था, मतलब कि दाग से पड़े हुए थे। तो मुझे ध्यान आया तो मैंने कि चलो इसको साफ़ कर देते हैं। तो बस कूलिंग से इसी को साफ़ कर रही हूँ। बस ये साइड साइड में ना इसके पेंट है रेड कलर का, तो बहुत गंदा लुक आता है मिरर का। तो जो जितना हो सकता है उतना साफ़ कर लेते हैं, फ्रंट फ्रंट में सामने सामने, और ये साइड ऐसी गंदी दिखती रहती है। और यहाँ पर ये फ्लावर पॉट आयन ने गिरा दिया है, तो मैं इसको सेट करके रख देती हूँ। बीच से खुल जाता है ना, तो ये खुल गया है, वो कह रहा था टूट गया, नहीं तो टूटा नहीं है, खुल गया है, तो मैं लगा के रख देती हूँ। और आज का मेरा वीडियो यही छोटा सा सिंपल है, क्योंकि मैंने दो तीन दिन से वीडियो ज़्यादा बनाया नहीं तो आ नहीं पा रही थी। लेकिन हाँ, बहुत टाइम हो गया था, आप लोगों से 4 से 5 दिन हो गए थे आप लोगों से बात नहीं हुई, और आप लोगों के कमेंट्स भी नहीं पढ़ने मिले, तो थोड़ा सा मैंने कहा चलो आज छोटा सा वीडियो बना के डालते हैं, तो ये सिंपल सा ही था। और इसी के साथ करूँगी अपना ये वाला वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे कल एक अच्छी ब्लॉग के साथ।